yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. भाई अभी का था ऐसा स्टेटस है कि अभी थी ये कल ही रात झगड़ा हुआ है भाई उतनी रहा है थोड़ी देर बस भाई साहब एक घंटे सो रहा है पता चल गया मतलब वहां के ज्यादा लोग यहां पे आते हैं बता रहा है व्यूअर्स को तो यार सो हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो यार आपको आज नई लोकेशन दिख रही होंगी, ज़्यादातर मैं जिम वगैरह में ही शूट करता हूँ। तो आज बहुत दिनों बाद कॉलेज आया था मैं अपने, बहुत लोगों को लगता है कि मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था और पढ़ाई करता हूँ। मेरे कॉलेज में एडमिशन हो रखा है मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो यार व्लॉग में आगे तक बने रहे, आज का व्लॉग बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, वही बकचोदी करेंगे सारी। आज अपने साथ एक नया बंदा है आज, भानु कौशिक। और भाई ये व्लॉग वगैरह बनाते रहता है, तो आज मैंने कहा यही बताएगा सारा की सारा की तूने बनाया ना डीडी भाई, बहुत बनाया यार। तो ये आपको पूरा अच्छे से टूर देगा, बाकी एंटरटेनमेंट के लिए मैं हुई। तो यार आज पूरा टूर करते हैं कॉलेज का, ठीक है, और मज़ा आने वाला है, एंड तक बने रहो। पूरा कॉलेज दिखाएंगे आपको, हमारे कॉलेज कैसा है, डीडी उसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, तो देखना आप भी यार कैसा है कॉलेज, ठीक है। और यार एक और चीज़ की मतलब व्लॉग के एंड में बहुत बढ़िया आज वर्कआउट करने वाला हूँ मैं, आज न्यू जिम में जाने वाला हूँ, तो आखिरी तक बने रहे, इंटेंस वर्कआउट होगा, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होंगी आज। और स्टार्ट करते हैं फिर एकदम, करते हैं भाई, करते हैं भाई स्टार्ट स्टार्ट। Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up. सबसे पहले इस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देते हैं, तो भानु बताएंगा आपको भाई क्या क्या कैसा कॉलेज है, क्या है क्या नहीं, सब बता जनता को अपनी। क्यों भाई तू नहीं पढ़ता कॉलेज में भाई, मतलब है ना, देखो पता है, तो अच्छे से ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दे एक पूरा। अच्छा तो यार देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, ठीक है, और साउथ कैंपस में आता है। मतलब पहले वाला जो इसका कैंपस था वो साउथ कैंपस में था, अब जो नया कैंपस बना है 5 साल पहले ये वाला, ये अब ऑफ कैंपस हो चुका है, ठीक है। तो 6 फ्लोर की बिल्डिंग है भाई, बिल्डिंग दिखा दे लोगों को, मतलब शॉर्ट्स वगैरह लिए हैं, ठीक है, सारी। और बाकी अंडरग्राउंड पार्किंग है, और मतलब मोस्टली कॉलेजेस में नहीं होती अंडरग्राउंड पार्किंग, तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैं इसलिए कहता हूँ, कैंटीन बहुत बड़ी है और यहाँ पार्किंग भी अच्छी है, ग्राउंड पार्किंग अच्छी है, अंडरग्राउंड पार्किंग अच्छी है, काफ़ी बड़ी है। ये प्लस नया बिल्डिंग बना है, पहले कोई बताया ना, ये 5 साल पहले नई बिल्डिंग बनी है, तो अब ये ऑफ कैंपस हो चुका है। और कॉलेज बढ़िया है, कौन से मतलब सारे आर्ट साइंस सबके लिए सही? हाँ भाई सबके लिए बढ़िया कॉलेज है। और अगर यार फैकल्टी की बात करूँ तो यार मतलब सारी टीचर्स अच्छी हैं, देख अपना डिपार्टमेंट तो अच्छा ही है, नो डाउट, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, ठीक है। और बाकी मैंने जितना भी अब तक मेरे सोर्सेज हैं इस कॉलेज में, सब कहते हैं कि उनके डिपार्टमेंट अच्छे हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है उसमें। और यार यहाँ पे मतलब है ना मोस्टली वो ऑनर्स कोर्सेज होते हैं, जब हमारे साइड उससे ऑनर्स नहीं होता क्या है? अच्छा वहाँ मेरे को मतलब पता नहीं चला था ऑनर्स से, तो यहाँ पे वही है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है ना, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है, कुछ भी जनरल कोर्सेज नहीं मिलेंगे। हाँ मतलब होते भी हैं मगर इस कॉलेज में नहीं है जनरल, बस यही है। और कुछ रहेंगे तो आपको बीच में बताते रहेंगे, चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हॉस्टल है, गर्ल्स बॉयज अलग अलग है, दोनों अलग है ना, अलग अलग है। और फिर यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ पे कैंटीन है, ग्राउंड दिखा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले थोड़ा सा अंदर आते ही कैंटीन है, कैंटीन दिखा दे भाई थोड़ा सा लोगों को। मतलब खाने वगैरह का रेट बहुत सही है यहाँ पे, कम ही रेट है, मतलब अगर नॉर्मल आप अगर थाली खाना चाहे लंच डिनर तो 34 रुपीज़ की होती है नॉर्मल थाली, और स्पेशल 44 की होती है। और फिर यहाँ से लेते हैं, फिर चल आपको ग्राउंड दिखाते हैं। तो उसके बाद आता है अपना ग्राउंड, काफ़ी बहुत बड़ा ग्राउंड है भाई, बता भानु, यहाँ बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स होते हैं, सब कुछ होता है यार, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स होने लग गए हैं अब तो, ठीक है, पहले इतने नहीं होते थे यार हमारे टाइम पे, मतलब मैचेस होते हैं रियल वाले, सारे रियल मैचेस होते हैं भाई, DDUC की टीम बनती है जाती है, एकदम मज़ा आता है, ठीक है। और अभी यहाँ पे चल भी रहा है, तुम देख भी सकते हो यार, दिखा यार ये फेंसिंग कर रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं लोग। हाँ एक फेलियर स्टोरी है मेरी, तो भाई क्या बता रहे हैं लोगों को भाई, मतलब
लोगों को बहुत कुछ जानना था कि भाई मैं गोंडिया महाराष्ट्र से यहाँ दिल्ली तक कैसे आया। अच्छा, तो यार वही थोड़ा सा मतलब मैं इस पॉइंट को लेकर थोड़ा सा इमोशनल हूँ कि मेरा कैसा कैसा सीन होता है। मैंने बताया था यार भाई की स्टोरी अच्छी है, मतलब महाराष्ट्र गोंडिया से उठ के एक बंदा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे आता। तो यार आप इसको अच्छे से सुनो, थोड़ी मोटिवेशन भी मिलेंगे आपको। तो यार सबसे पहले मैं बहुत पढ़ने वाला बच्चा था, तो सही पढ़ते हैं, लेकिन भाई तेरा भाई कोटा पढ़ रखा है। हाँ, ये तो पता है भाई मेरे को। जेन्युइनली बहुत मेहनत करी थी और नीट लेली, मेरा थोड़े नंबर से रह गया। हाँ। तो और उसके बाद ये सुना कि मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया, डिप्रेस्ड हो गया कि भाई अब मेरे से कुछ होने नहीं वाला, मेरी लाइफ खत्म हो गई है। हाँ। लेकिन उसी से मेरी लाइफ का नया फेज स्टार्ट हुआ। मैं कुछ मतलब गलती से मुझे यहाँ का पता चल गया, मतलब वहां के ज्यादा लोग यहाँ पे आके बता रहे व्यूअर्स को। तो यार लेकिन मेरे को तो पता है स्टोरी, व्यूअर्स को बता भाई। मजाक से हटके मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, तो वो सीन मतलब तू यहाँ से जा, मैं व्यूअर्स को बताता हूँ अपने। तो यार सीन ऐसा था कि उस टाइम में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया, लेकिन वहीं से मेरे लाइफ पे एक नया फेज स्टार्ट हुआ यार कि मतलब, और मैं जो भी अभी कर रहा हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं तब अभी मैं सोचता हूँ कि भाई अगर अच्छा हो मेरा वो नहीं, अगर वो हो गया रहता तो मेरा मतलब लाइफ कुछ और ही हो गई रहती, मतलब शायद मैं वो नहीं कर पाता जो कर रहा हूँ मैं, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। और मैं वही आपको बोलना चाहूँगा यार, कभी कुछ चीज़ आपकी वर्क नहीं करती है तो यार उसको वहीं पर छोड़ के मूव ऑन कर जाओ। बड़ी लड़की हो जो भी हो, वर्क नहीं कर रही वहीं छोड़ दो और वहाँ से मूव ऑन हो जाओ। आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और उससे आप मतलब कुछ चीज़ नहीं हो रही ना, तो कुछ अच्छा ही होने वाला है, इसलिए वो चीज़ नहीं हो रही है। भाई देखो एक चीज सिखाता हूँ जल्दी का। क्या हो गया भाई? हाँ भाई उठ जा। ओह ओ भाई उठी उठी जाओ भाई, उठ नहीं रहा है। भाई साहब एक घंटे सो रहा है, उठ जा, एक घंटा हो गया क्लास को। क्या हो गया भाई, कब से सो रहे थे को पता नहीं है कुछ? भाई मेरे को शाम में जिम जाना है। तो जिम जाना तो भाई उठेगा नहीं क्या? उठ जाओ, उठ भाई, भूख लग रही है, एक बज गया। रिकवरी नहीं होगी अभी। अरे हो जाएगी रिकवरी भाई, उठ। खाना रेडी है? हाँ खाना रेडी, चल आ। चल 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 चल। तो भाई बात ऐसी है कि ये अपना फ्लोर है, सेकंड फ्लोर बोटनी डिपार्टमेंट। और अभी मतलब मैं धीरे बोल रहा हूँ, तो भाई धीरे बोलना पड़ेगा क्योंकि इधर भी क्लास चल रही है, इधर भी क्लास चल रही है। बोटनी लैब 1 है ये और बोटनी लैब 2 है ये। तो यहाँ से फ्लोर दिखाते हैं और पूरे बिल्डिंग में इसी प्रकार के सारे फ्लोर्स हैं पूरे अपने। पीछे दिखा भाई कैसा है। तो ऐसे लंबे से फ्लोर है, इधर साइड इधर से क्लासेस वगैरह होती है। ये हमारी क्लास है, हमारा क्लासरूम है 220। तो कम इन साइड हैव अ लुक कैसा है। ऐसे स्टेप वाइज जैसा है यहाँ पे भाई, जैसे तुमने प्रॉपर देखा होगा कि कैसे होते हैं स्टेप वाइज ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। तो लेक्चर थिएटर ही कहते हैं वैसे, और रूम्स अलग होते हैं, रूम्स में भी मतलब सेम डेस्क है ऐसे ही, और यह लेक्चर थिएटर है। ऐसे 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 से ऊपर तक बैठते हैं और कुछ भी प्रोग्राम अगर होता तो यहीं पर आता है, यहीं पर अच्छा स्ट्रेंथ आ जाता है आराम से। यार कहते हैं भाई मानू की कॉलेज में आने के बाद सबको प्यार मिल जाता है, ये होता है ना पिक्चर विक्चर में बताता है भाई, होता तो ऐसा ही है यार। लेकिन यार यहाँ पे तो सूखे पेड़ को पानी तक नहीं दिया किसी ने। बात तो सही बोल रहा है, किसी को नहीं मिली यहाँ, मतलब यहाँ तेरी बात कर रहा हूँ। मेरी बात कर, मेरा सीन देखो बताए, बताओ ऑडियंस को। बता भाई ऑडियंस को। भाई इस कॉलेज में आने के बाद इतने धोखे मिले मेरे को, इतने धोखे मिले यार। मतलब सबसे पहले आई थी वो, हाँ क्या नाम है, स्टार्टिंग में ही एक, हाँ स्टार्टिंग, फिर हो गया, हाँ फिर बीच में, फिर हो गया, फिर एक और तीन हो गए, तीन हो गए ना। और अभी का क्या स्टेटस क्या है भाई? अभी का तो ऐसा स्टेटस है कि अभी थी एक, हाँ कल ही रात झगड़ा हुआ है। आहा, और फिर उस झगड़ा कर लिया उसे, हाँ बात नहीं हुई अभी तक। अरे भाई साहब मतलब खत्म ही लग रहा है। क्या सीन है, स्टेटस क्या है? बात नहीं हुई कल रात, झगड़ा हो गया ना। अच्छा कोई बात ना, फिर नहीं, फिर तुरंत जो भी है चलेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ अभी ये सीधा तो खत्म हो रहा है भाई, अब तो कॉलेज ही खत्म हो रहा है। हाँ भाई अब फ्यूचर में ध्यान देना है भाई, बहुत हो गया। जिम कर बस, और कर जिम कर, शादी करना है फिर, शादी भी करनी है। ये हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी जहाँ पहली बार शूट करने के बहाने आना हुआ, वरना यहाँ तो हम मुश्किलें आते हैं। तो तीन फ्लोर की लाइब्रेरी है, एक ये वाला फ्लोर है, यहाँ बुक्स, थर्ड और फोर्थ फ्लोर में बुक्स है और फिफ्थ फ्लोर में पढ़ने वाला है। सर अभी जाने का करा था मैं, लेकिन अब ये फिर क्लोज है, चलते हैं, कोई बात नहीं। अब लाइब्रेरी नहीं ही है हमारे लिए तो बनी, तभी भी देखो कितनी बढ़िया लाइब्रेरी यार, इतनी सारी बुक्स है, हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया इस चीज़ को, पता नहीं क्या क्या है।
तो यार आप आ गए हम अपने ऑडिटोरियम में, कॉलेज का ऑडिटोरियम में, बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम है, आपको अंदर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी थिएटर सोसाइटी जो है अपने कॉलेज की, उसका एक प्ले चल रहा है, तो प्ले देखने आए हैं। अब आपको अंदर थोड़े प्ले के शॉर्ट्स भी डालेंगे और देखते हैं अंदर क्या क्या है। एक ये कैसी लापरवाही है, इन कैदियों को केवल 2 सर्जन लेकर आए हैं। शुरू में 25 से 30 सर्जन साथ में आते थे। निर्जन कारावास, निर्जन कारावास से क्या तुम देवता सह सकते हैं या फिर पशु? हमारा हक है, हमारी दौलत, किसी के बाबा का जय नहीं है। मुल्क भारत वतन हमारा, है मुल्क भारत वतन हमारा, किसी की काला का घर नहीं। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. तो यार आज का वर्कआउट करने हम न्यू जिम में आए हैं। ये नवादा में है, मतलब न्यू दिल्ली नवादा में है, फिटनेस पॉइंट नाम है। तो यार मैं पहले इस जिम में आया करता था, बहुत तगड़ी जिम है, मतलब क्वाइट स्पेशियस, बहुत स्पेस है इसमें, उतने ज़्यादा बंदे भी नहीं होते, तो मतलब ट्रेन करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको एक क्विक जिम टूर देते हैं, उसके बाद हम इंटेंस बैक वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट के बीच में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एंड माइंड सेट बना के आए हूँ, मतलब इंटेंस ट्रेनिंग करना है, आप वर्कआउट इन्जॉय करिएगा। आपको पहले एक जिम टूर देते हैं, आइए। तो यार स्टार्टिंग में यहाँ पे एक डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म है, पहले यहाँ पे स्क्वाट है, शोल्डर प्रेस, ये डंबल के सारे रैक्स हैं, बेंच है, अपनी फ्लैट इंक्लाइन डिक्लाइन, स्मिथ मशीन है, तो यहाँ पे 2 केबल है, फिर यहाँ पे फ्लाइज हो गया, फिर यहाँ से तुमने बैक की 2 बहुत तगड़ी मशीन्स है जो हर जिम में नहीं होती है। इस साइड में जो अपना सारा कार्डियो सेक्शन है, यहाँ पे वहाँ ट्रेडमिल्स वगैरह लगे हैं, यहाँ पे थोड़े थोड़े अलग अलग चीज़ें डाल दी है, मतलब यहाँ पे प्रीचर वगैरह, एक्सटेंशन वगैरह है, और फिर उसके बाद आगे आया तो यहाँ पे अपना लेग प्रेस है। और सबसे बढ़िया जो लगता है मुझे इस जिम का, कि ये 2 बैक की मशीन्स जो हर जिम में नहीं होती है, ये जिम मशीन दिखा दे, और ये जो मशीन है इसमें बैक और चेस्ट दोनों होता है, मतलब तो ऐसा ही है भाई, बढ़िया जिम है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, आपको वर्कआउट देखने में मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं और वर्कआउट इंजॉय करिए, आज बीच में बातें कम रहेंगी और वर्कआउट तगड़ा रहेगा एकदम। So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can...